ये है दिल्ली दर्पण। उस दिन हुआ था कि मैं जब अपनी मम्मी के पास गई थी, जब वो ठीक थी, उनकी तबीयत भी ठीक थी, वो जब पापा है ना तो वो मम्मी को मारने लगे, कहती इन्होंने दारू पिया तो मम्मी को मारने लगा, लगातार मारते रहे तो मम्मी भी हो सकती है। बस बस सजा ही मिलना चाहिए हमारी बेटी तो दुनिया तक, मुन को कतई ना छोड़ने है तुम। और वो हम गए थे उसके जहाँ रहते कमरा ले रखा था ना, तो उस पे गए, वहाँ पूछताछ करी के वो ऑटो लगा रखा था, मार पीट के अधमरा था, उस कमरे से निकाला, कंधे पे से उतार के फिर दूसरे अपने जो नया कमरा था उनका घर का खुद का उसमें डाली है, उसमें मारा है, तोड़ा है, तवा पवा जहाँ डॉक्टर बताते थे, जहाँ सर पे बहुत नस्ब लोग सारा। सर आपकी लत ऐसी लत है जो पूरे परिवार को निकल लेती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जो कि सिलसिला है वजीरपुर के एफ ब्लॉक में देखने को मिला, जहाँ पे मेरे साथ एक परिवार बैठा है जिनकी बेटी की शादी महरौली में हुई थी और वहाँ पे उसके पति जो शराब का सेवन करते थे लगातार उसके साथ मारपीट पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे और उसके बाद अत्याचार इतना बढ़ गया कि अचानक बीते सोमवार को उसका गला घोट कर मार दिया गया। बताया जा रहा है कि उसके और उसको मारने के बाद उसको शराब का सेवन भी कराया गया और साथ ही साथ ताकि कि जो स्टेटमेंट है वो पूरी बदल जाए। अब पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए पूरा परिवार। क्या नाम है आपका? स्वाति। कितने साल की हो? मैं 11 साल की। 11 साल की हो? अच्छा, बेटा बात करें जो माता जी के साथ जो मारपीट थी वो कब से चल रही थी? वो तो राखी से चल रही थी, रक्षाबंधन से। अच्छा, बात करें जिस तरीके से बताया गया सोमवार को एम्स में भर्ती कराया गया, क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से भर्ती कराया? नहीं, मम्मी को जब एम्स में भर्ती कराया तो मार पिटाई हुई थी मम्मी पापा के बीच में? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ था कि मैं जब अपनी मम्मी के पास गई थी, जब वो ठीक थी, उनकी तबीयत भी ठीक थी, वो जब पापा है ना तो वो मम्मी को मारने लगे, कहती इन्होंने दारू पिया तो मम्मी को मारने लगा, लगातार मारते रहे तो मम्मी बेहोश हो गई। क्या बोला, दारू पी है किसने? मम्मी ने। अच्छा। मतलब झूठे इंजाम लगा रहे थे मम्मी का। अच्छा। कि इन्होंने ड्रिंक कर रखी है और फिर मारते जा रहे थे और हम बचा रहे थे तो हमें भी मार रहे थे। अच्छा। किसी किसी हथियार से या कुछ किसी चीज से मारा था या सिर्फ हाथों से? तवे से मारा था। अच्छा। तवा ले रहे थे बार बार हाथ में और तवा छुड़वाया तो गला पकड़ लिया, गला घोटने लग गए। अच्छा। क्या नाम आंटी जी आपका? बस बस सजा ही मिलना चाहिए हमारी बेटी तो दुनिया तक, मुन को कतई ना छोड़ने है तुम। अच्छा, अभी बेटी का जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ होगा, कुछ पता चला? डॉक्टर ने कुछ बताया कैसे नहीं? अभी तो चेकअप वेकअप तो सब हुए हैं, अभी रिपोर्ट मिलेगी तो पता चलेगी उनको क्या हुआ क्या ना। अच्छा। हाँ, अपने कोई शिकायत वगैरह भी दर्ज कराई है? हाँ, रिपोर्ट तो करा दी। कौन से थाने में? बहरोली थाने में। तो मतलब क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस के द्वारा? अभी तो जा कह रहा है कहते हैं पोस्टमार्टम में देखेंगे, रिपोर्ट आते ही खान फिर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट के आने का कार्रवाई? हाँ, लड़की ठीक हुई तो सही हो गई तो बयान दे दे तो जे बयान सुनेंगे लड़की के। अच्छा। हाँ, फिर बाकी तबीयत ही नाजुक ही तो बयान क्या देती वो। हाँ, उनने खूब ही मारी है गलो घोट कर। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ किसी ने फोन नहीं करा हमारे पास, वो तो अचानक आके था फोन किसका लग गया तो वो खबर चली, फिर हम गए हॉस्पिटल में भर्ती कराई, फिर हम देखने गए हुए। हाँ। कब की बात है कि बेटी आपकी मतलब खत्म हो गई, कब की बात है?
सोमवार की बात है, संडे की लड़ाई भाई, सोमवार को भर्ती कराई एम्स में। सोमवार को डॉक्टर ने जवाब दे दिया? नहीं, सोमवार को नहीं, वो तो ना चुकी, बाकी जवाब तो ना दो, 5 दिन इलाज ही चलू है उसको एम्स में। हाँ, तो उसके बाद में कह रहे हैं फिर कार्रवाई करेंगे जो लड़की बयान दे दे, और बयान ना दे जो पोस्टमार्टम में केस हुआ है वो हम देख लेंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे लड़के पर। बॉडी आ गई आपके पास? बॉडी हाँ आ रही है। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। अभी तो मतलब आपको पता नहीं चला है कुछ? नहीं, अभी ना पता। अच्छा, पिता जो मारपीट होती थी तो क्या उसके बाद कभी मम्मी ने कोई शिकायत की हो या कभी अपने घर वालों को बताया हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया? मम्मी ने नहीं बताया। अच्छा, किसी को नहीं बताया? नहीं। उनके भैया हैं, एक बार भैया से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप। भैया, बात करें बहन के साथ इस तरीके से लगातार जो मारपीट का सिलसिला जारी था, क्या कभी उन्होंने आपको बताया, कभी घर वालों को कभी कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा, कभी हाव भाव से लगाओ कि कभी उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा कुछ? अच्छा, कुछ बताती नहीं, वो सीधी थी, वो मम्मी पापा दुखी होंगे इसके मारे, वो अपनी बात दिल में ही रखती थी। और वो हम गए थे उसके जहाँ रहते कमरा ले रखा था ना, तो उस पे गए, वहाँ पूछताछ करी के वो ऑटो लगा रखा था मार पीट के, अधमरा था उस कमरे से निकाला, कंधे पे से उतार के फिर दूसरे अपने जो नया कमरा था उनका घर का खुद का उसमें डाली है, उसमें मारा है, तोड़ा है तवा फवा, जहाँ डॉक्टर बता रहे थे जहाँ सर पे बहुत नस्ब लोग सारा हो गया। अगर बात करें मारपीट किस लिए करते थे, कोई कारण आपको दिखता हो, दहेज का मामला था या क्या कुछ हो मामला? नहीं, 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 कुछ भी, वो दारू वारू के लिए पैसे पैसे मांगता था, वो देती नहीं थी, उसने मार के और उसके कम से कम 10-12 हजार रुपए छीन के, और सब में दारू पी रहा था यार, दोस्तों को भी पिला रहा था, सब बता रहे थे वहाँ के, मुद्दा दारू का था। वहाँ यार दोस्तों को पता लगा हमने कि तो कह रहा है वो यार दोस्तों को खूब पार्टी दे रहा है सब में, उसकी बहनें वगैरह सब मंदिर सब में घूम रही हैं। अच्छा। और एक उसकी सास और नंद, उसका पति, इन तीनों ने कमरे में उसमें और ज्यादा, और उसके दारू पिलाई है जहाँ सब होट वगैरह सब छिले हुए हैं। अच्छा, मारने के बाद दारू? हाँ, दारू पिलाई है कि रिपोर्ट में गलत आ जाए कि दारू पी हुई थी लड़की। हाँ, स्टेटमेंट आ जाए। हाँ। अच्छा भैया, बात करें पोस्टमार्टम की, कुछ रिपोर्ट आपको पता चली अभी कुछ भाइयों से? अभी तो कुछ नहीं, अभी वो पापा सारे वही हैं, वो बताएंगे अभी, अभी तो हो रहा है जी, अभी किसी को भी अभी बताई नहीं है, फोन करके वो कह रहे हैं जैसी भी वो बात होगी हम तुरंत बता देंगे। आपकी बहन थी? हाँ जी, सगी बहन थी। अच्छा, अब चाहते क्या आप लोग इसमें? बस यही है, उसको उन सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबका ही हाथ था उनमें। उसकी मम्मी उसको बहुत सपोर्ट, बहन है बहुत सपोर्ट करती है उसे हर बार, जो भी मतलब जब भी लड़ाई हुई है ना किसी ने, बहन को कोई नहीं बचाता था, वो खुलेआम कुछ भी रात में आके दारू पी पी के मारता था, मगर कोई कोई नहीं बचाता था, बस एक मेरी रेखा बहन है वो आके उसी ने कितनी बार बचाया, पर कोई कोई नहीं बचाता था, उसका पापा भी वो भी नहीं बचाता, कोई कोई नहीं आता था। बात करें आपको कब पता चला कि इस तरीके से लड़ाई होती है और मारपीट होती है? रात में ही हुआ है। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी बहन के साथ ऐसे मारपीट वगैरह की जाती है? वो नहीं, आप परिवार वालों को कब पता चला कि इस तरीके से मारपीट होती रहती है उनके साथ? वो तो रोज पहले ही पता चलता जाता हमें, वो बता देती थी, वो मना कर देती थी नन्नी जो बहन है, वो मना करती थी, बोलती छोड़, वो बच्चों के लिए ना, वो हम तो कहते थे हमारे पास आ जा, पर वो बच्चों के लिए नहीं आती थी। अच्छा, किसने बताया आपको कि ऐसे मारपीट होती है? किसने बताया कि मारपीट होती है बहन के साथ? उसने भी बताती थी, पर इतना नहीं बताती थी वो, बाकी उसके बहन है जो छोटी बहन है वो उनने बताया। तो बचा दी? वो मेरी बहन पास में रहती थी, अगर उसे भी बता देते तो आज ऐसा नहीं होता, तो उसको भी नहीं बताया क्योंकि वो हमें ना बता दे सबको। मतलब उनकी मौत का गुनहगार आप उनके पति को मानते हैं? हाँ, पूरा घर है। हाँ, आप लोग चाहते यही हैं कि उनको सजा मिले? हाँ, सजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, सजा मिलनी चाहिए।
क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई करेगी इसको? पुलिस जब तक हम बहन हमारी भर्ती हुई जब तक तो पुलिस को हमने देखा नहीं कि कुछ हमने ना देखो आई है कि नहीं आई है कोई कार्रवाई। ऐसा लग रहा था हमारा केस डीलर बढ़ता जा रहा है, तो सुनने में आया था कि रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए था। अच्छा, आपने पुलिस को कब इंतला किया इस पूरी खबर के बारे में, इंसिडेंट के बारे में? पुलिस को आपने कब इंतला किया इसके बारे में, पूरे केस के बारे में? केस पापा ने करा था, वो सोमवार को ही। सोमवार को कर दिया? हाँ। ये पूरा उस युवती का परिवार है जो आज इंसाफ की मांग कर रहा है। अब कारण क्या है पूरे वक्तव्य के पीछे? सिर्फ एक शराब की लत जिसने एक युवती की जान ले ली और आज वो परिवार, उस युवती का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लगातार अब परिवार चाहता है कि इंसाफ मिले, क्योंकि अब क्योंकि उनके बच्चे भी शायद मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अनाथ हो गए, माता नहीं है और पिता के ऊपर ये लोग एक तरह से, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उनकी अपनी पत्नी को मारा है। संजय गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।